हेलो मित्रों, दुनिया में ऐसे कई अजीबोगरीब देश हैं जो अपनी अलग अलग क्वालिटीज की वजह से मशहूर है। लेकिन क्या आप एक ऐसे देश के बारे में जानते हैं जिसकी लंबाई सिर्फ 12 किलोमीटर है और चौड़ाई 200 मीटर। ये देश चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, जहां करीब 11,000 लोगों की जनसंख्या रहती है। यह सिर्फ एक अस्पताल है और एक पुलिस स्टेशन। हम बात कर रहे हैं तुवालु देश की, और ये देश 9 आइलैंड्स को मिलाकर बना है। तुवालु को दुनिया का चौथा सबसे छोटा देश माना जाता है। यहाँ इतने कम लोग हैं कि सभी एक दूसरे के सुख दुख में शामिल होते हैं। लेकिन आपको जानकर दुख होगा कि क्लाइमेट चेंज के चलते तुवालु देश लगातार डूब रहा है। एक रिसर्च के मुताबिक आने वाले 4050 सालों में ये देश पूरी तरह समंदर में डूब जाएगा। और आपको जानकर हैरानी होगी कि अपने देश के डूब जाने के डर से यहाँ के कई लोग बच्चे भी पैदा करना रोक चुके हैं। साल 2021 में तुवालु के विदेश मंत्री साइमन कोफे ने यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट समिट में समुद्र में घुटने तक पानी में खड़े होकर भाषण दिया था, ताकि वो दुनिया का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। इस देश में सिर्फ एक एयरपोर्ट है, और इस एयरपोर्ट का निर्माण सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में अमेरिका ने करवाया था। हालांकि दुनिया के बाकी देशों से काफी अलग होने के बावजूद भी तुवालु में कम टूरिस्ट आते हैं, क्योंकि यहाँ संसाधनों की बहुत कमी है। और ऐसा नहीं है कि इनको अपने हाल पर छोड़ दिया गया है, बल्कि इस देश के नागरिकों को ऑस्ट्रेलिया सरकार ने अपने यहाँ शरण देने का ऑफर दिया है।